उपायुक्त यातायात ने कहा कि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद पुलिस सिस्टम में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी क्रम में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने पास इशू करने के सिस्टम में और पास के सिस्टम में बदलाव किया है। IPS विकास कुमार ने बताया कि अब हम लोग पास बारकोड के सिस्टम से इशू कर रखे गए हैं। बारकोड सिस्टम से यातायात पुलिस को फायदा यह होगा कि फर्जीवाड़ा को पूरी तरीके से रोका जा सकेगा, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसमें बहुत ही बारकोड सिस्टम बनने पर फायदा मिलेगा। IPS विकास कुमार ने बताया कि बारकोडिंग करने से और डाटाबेस तैयार करने से हमको यह मालूम होगा कि किस दिन शहर में कितने भारी वाहन प्रवेश कर रखे गए और इससे शहर में कितना दबाव रहेगा और इससे डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ही आसानी होगी और साथ में फर्जी तरीके से और फर्जी पास बनाकर शहर में घुसकर अपना काम करते हैं उन लोगों के ऊपर अंकुश भी लगेगा। वाराणसी से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। वाराणसी कमिश्नरेट ट्रैफिक पुलिस ने पास इशू करने के सिस्टम में और पास के सिस्टम में बदलाव किया है। अब हम लोग प्रत्येक पास बार कोड युक्त इशू कर रहे हैं। उस बार कोड का फायदा ये होगा कि पासों से होने वाले फर्जीवाड़े को पूरी तरह रोका जा सकेगा और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू चल पाए तो बहुत सहयोग मिलेगा। इस बार कोडिंग करने से और इसका डाटाबेस तैयार करने से हमें पता होगा किस दिन कितने ट्रक्स भारी वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं और उससे हमारे सड़कों पर कितना दबाव रहेगा, उससे डिसीजन मेकिंग करने में काफ़ी आसानी होगा और साथ में जो फर्जी पास बनाकर या फर्जी तरीके से शहर में घुस के अपना कार्य करते हैं वैसे लोगों पर अंकुश भी लगेगा। सर, क्या ये जो आरवे से आपका था नियमता जो था भारी वाहन जो है टाइमिंग जो था तो क्या बार कोड लग जाने से क्या टाइमिंग का कोई अंतर भी आ जाएगा कि टाइमिंग वही है? मुख्यतः शहर में किसी भारी वाहन का प्रवेश वर्जित है, लेकिन जरूरत के आधार पे जो आवश्यक वस्तुओं पर लेकर आते हैं और सरकारी परियोजनाओं में जो कार्य करते हैं उनको आने का परमिशन दिया जाता है। बल्कि आड़ में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो अपने व्यवसायिक कार्यों को करने के लिए शहर में गाड़ियों का प्रवेश करते हैं, उनको रोकने के लिए जुर्म बनाया गया है। सर, ये बारकोड का और ये पास बनने का चालू कब से होगा? ये चालू हो चुका है, इस महीने की पहली तारीख से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है ट्रायल बेसिस पर और 15 दिन में हमें ये मालूम चला है कि बहुत अच्छे से चल रहा है। न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए।